स्टूडेंट ऑफ बिजनेस क्लास 5 नॉर्मल ईयर बुक मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.7 लेक्चर नंबर 62 है, वेरीफाइड डायट। ठीक है, अब हमारे पास ब्रैकेट में क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, बस सिंपल जैसे 3.5 थी सिंपली वैसे ही करनी है, जस्ट इसको ये क्या वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 1/2 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3/7। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9, 5 7 35, ये सॉल्व हो गया तो हमारे पास ब्रैकेट जो है ख़त्म हो गई है। अब हम इसे बाय वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 × 9/2 × 35, 9 1 9 35 2 × 70। सेम लाइक डैट राइट हैंड साइड भी इसी तरह सॉल्व करनी है तो हमारे पास आंसर इक्वल आ गया आ जाएगा। अगर ना आ रहा तो इट्स मीन आपने कहीं मिस्टेक की है, या तो क्वेश्चन लिखने में या तो आपने क्वेश्चन सॉल्व गलत किया है। ठीक है, ऐसे ही होगा। तो फ्रॉम ए एंड बी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंपली क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3। ठीक है, कंप्लीट को कैसे ख़त्म करना होता है, 3 1 3 3 आंसर आ गया। अब ऊपर जो वैल्यू है नोमिनेटर में उसमें जो वैल्यू होगी उसे प्लस करना है, जो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 3 + 1 4/3। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 × 4 = 8, 3 × 5 = 15, 4 8 = 32, 3 15 = 45। ठीक है, यहाँ भी ऐसे किया हमने, कंप्लीट फॉर्म को ख़त्म किया है, सॉल्व किया है, ब्रेक किया है। अब क्या हो गया हमारे पास, ये इसका आंसर सेम आ गया, ए एंड बी इक्वल आ गया। तो सो फ्रॉम ए एंड बी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।